जय हिंद, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बैडमिंटन गेम के बारे में। बैडमिंटन से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बैडमिंटन इज़ अ रैकेट स्पोर्ट प्लेड यूजिंग रैकेट टू हिट अ शटल कॉक अक्रॉस अ नेट। हमारे हाथ में एक रैकेट होता है, रैकेट से हम एक चिड़िया होती है, शटल मींस चिड़िया जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम हिट करते हैं और एक नेट होता है उसको हम पार करने का प्रयास करते हैं। द गेम ऑफ बैडमिंटन वाज स्टार्टेड इन द 19th century इन इंग्लैंड। बैडमिंटन जो गेम है इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है इंग्लैंड में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैडमिंटन गेम का ओरिजिन जो है किस कंट्री को जाता है, किस कंट्री को श्रेय जाता है, तो वो है इंग्लैंड। बैडमिंटन गेम की खोज कहाँ हुई, शुरुआत किस कंट्री ने करी, इंग्लैंड, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आपको की पॉइंट पर फोकस करना है जो मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड व्हेन सम आर्मी ऑफिसर्स यूज टू प्ले इट इन पुणे। भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम जो है आर्मी के जो ऑफिसर्स लोग थे वो इंडिया में पुणे एक प्लेस है वहाँ पर जो है बैडमिंटन का यूज़ करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो बैडमिंटन गेम लाने का असर है किसको जाता है, वो है अंग्रेज़। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैडमिंटन को हम किस नाम से जानते हैं। अंग्रेज़ जो है इसको पुणे के नाम से जानते थे क्योंकि इन्होंने जब क्या किया, जब पुणे में इन्होंने शुरुआत करी तो इसका नाम पुणे भी रख दिया था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, आप फोकस करेंगे कि बैडमिंटन को हम पुणे के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में जो है बैडमिंटन की शुरुआत किसने करी, तो वो आर्मी ऑफिसर कहाँ पर करी, पुणे में। किसके माध्यम से हुई, अंग्रेज़ों के माध्यम से। भारत में किसके माध्यम से आया, अंग्रेज़ों के माध्यम से। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एंट्रेंस एग्जाम में। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ द गेम। कुछ रूल हैं बैडमिंटन के, चलते हैं डिस्कस करते हैं। द मैच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ थ्री गेम्स। जो बैडमिंटन गेम होता है बेस्ट ऑफ थ्री का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैडमिंटन जो गेम होता है बेस्ट ऑफ कितने का होता है, वो थ्री का होता है। नेक्स्ट, एनी प्लेयर और टीम विनिंग टू गेम्स इज डिक्लेयर द विनर। बेस्ट ऑफ थ्री में से हमें दो गेम पर जो है कब्जा करना होता है। क्वेश्चन नंबर टू, ऑल गेम्स कंसिस्ट ऑफ 21 पॉइंट्स। जो बैडमिंटन गेम होता है वो 21 पॉइंट का होता है और इसकी शुरुआत हम करते हैं तो वो जीरो से करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है द कलर ऑफ द नेट इज डार्क एंड इट्स मैश इज 15-20 mm। जो नेट होता है उस नेट के अंदर जो बॉक्स बने रहते हैं वो 15-20 mm में जो है देखने को मिलते हैं, उनका जो आकार जो होता है। द प्लेयर सेल सर्व और सर्विस फ्रॉम लेफ्ट हैंड सर्विस कोर्ट। जब कोई भी खिलाड़ी जब सर्विस करता है, मान लो जैसे कि ये कोर्ट है, अगर मैं इधर से राइट से सर्विस कर रहा हूँ तो मेरा जो है डायगनल सर्विस करता हूँ, इधर सर्विस कर रहा हूँ तो मैं इधर सर्विस करूँगा, तो डायगनल सर्विस करते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर। जब बैडमिंटन के कोर्ट की बात आती है तो वो सबसे पहले आपके एग्जाम पूछता है कि बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है, बैडमिंटन के मैदान को हम कोर्ट बोलते हैं, उसका मेजरमेंट कितना होता है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बार बार पूछा जाता है। वो है 13x40x5x18 मीटर, 13.14 मीटर x5.18 मीटर। ये जो है मीटर में, ये मीटर में मेजरमेंट है किसका, सिंगल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। जब हम सिंगल के लिए बात कर रहे हैं इसको हम फिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 44x17 फिट होता है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है। तो आप जो है मीटर को फिट में कन्वर्ट करना सीखो तो आप 3.25 का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक मीटर में, तो आपका जो फिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये 13.14 है इसमें आप 3.25 का मल्टीप्लाई करो, लगभग उतना निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ डबल्स। डबल्स में जब बैडमिंटन खेलते हैं उसका साइज कितना होता है, 13.14 x 16 6.10।
तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिट में, 44 × 20 फिट। ये आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा ये फिट में पूछता है। शॉर्ट सर्विस लाइन फ्रॉम सेंटर लाइन, जब हम शॉर्ट सर्विस करते हैं, सर्विस लाइन से सेंटर लाइन की दूरी कितनी होती है, 1.98 मीटर। नेट विड्थ ऑफ द नेट, जो नेट जो होता है, आपने इस तरीके से नेट देखा होगा, ये उसके अंदर जो बॉक्स रहते हैं, उस नेट की जो है चौड़ाई कितनी होती है, 2 फिट 6 इंच उसकी चौड़ाई होती है। हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन होती है, मिड से नेट की जो है हाइट कितनी होती है, वो होती है 5 फिट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो है बैडमिंटन का नेट है, और मैंने आपको बताया कि मिड में जो सेंटर में जो है हाइट जो होती है वो 5 फिट, ये मेजरमेंट है लंबाई चौड़ाई इसको बोलते हैं। और मैंने आपको बताया सिंगल्स और डबल्स के लिए, जब हम सिंगल्स की अगर हम बात करते हैं फिट में, 44 × 17 सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे। डबल्स की अगर हम बात करते हैं, 44 × 20 फिट में सबसे ज़्यादा मेजरमेंट पूछता है। ये है बैडमिंटन रैकेट, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो स्प्रिंग वाला एरिया होता है, जिसके अंदर स्प्रिंग होती हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग एरिया। और जो पूरा जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं हेड, जो पूरा गोल सर्कल में होता है आउटर पार्ट, जस्ट नीचे जो वी आकार में होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोट, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रिप हम जो पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सेफ्ट, और इसके बाद जो है जहाँ से हम ग्रिप पकड़ते हैं वो है हैंडल। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ दी नेट फ्रॉम पोल, पोल की हाइट कितनी होती है, 5 फिट 1 इंच। शटल, शटल का वेट कितना होता है, 4.73 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इतनी बार आ चुका है कि मैं बता नहीं सकता, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। वो शटल का वेट ज़्यादा पूछता है। नंबर ऑफ फीदर इन शटल कॉक, जो शटल कॉक होती है जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया में जो पंखुड़ी होती हैं वो कितनी होती हैं, लगभग वो 14 से लेकर 16 तक उसमें पंखुड़ी मिलेंगी। लेंथ ऑफ द फीदर, फीदर जो पंखुड़ी की जो लेंथ होती है, 6.4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। रैकेट ओवरऑल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 27 इंच का जो है रैकेट होता है। ओवरऑल विड्थ की अगर हम बात करते हैं, 9 इंच की जो है उसकी विड्थ होती है। और मैंने आपको बताया वेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 85 से लेकर 140 ग्राम में मिलेगा। पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मेंस वीमेंस की अगर हम बात करते हैं वो तो 21 पॉइंट्स का जो है गेम होता है। और मैंने आपको बताया बेस्ट ऑफ 3। ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 ऑफिशियल्स का यूज होता है इसमें, रेफरी है, एम्पायर है, सीनियर जज और लाइनमैन। कुछ टूर्नामेंट पर डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही सिलेक्टेड टूर्नामेंट है, दोनों दोनों आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स हैं। ओलंपिक गेम्स फॉर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, थॉमस कप पूछता है, वो है वर्ल्ड टीम। थॉमस कप किससे संबंधित है, वो है पुरुष से, यह बार बार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उबेर कप किससे है, वीमेंस महिलाओं से। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल खेल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। मैंने आपको बताया 44 × 17 फिट। क्वेश्चन नंबर 2, युगल मींस डबल्स, डबल्स के लिए लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 44 × 20 फिट। बैडमिंटन नेट की चौड़ाई कितनी होती है, 2 फिट 6 इंच इसकी जो है चौड़ाई होती है। ग्राउंड से पोल की ऊंचाई कितनी होती है, 1.55 मीटर। शटल कॉक का भार जो कितना होता है, वेट मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, तो इस क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। 4.73 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक इसका वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, शटल कॉक में कितने पंख होते हैं। मैंने आपको बताया 14 से लेकर 16 जो है फीदर मिलेंगे। शटल कॉक के परों की लंबाई कितनी होती है, 2 सही 1/2 इंच से लेकर 2 सही 3/4 इंच तक इसकी जो है लंबाई होती है। बैडमिंटन नेट की जाली मैस
का माप कितना होता है, मैंने आपको बताया ये नेट है और उसके अंदर जो जो बॉक्स बने रहते हैं उसकी बात कर रहा है। 15 से लेकर 20 mm में मिलेंगे। नेट के ऊपर की तरफ सफ़ेद टैप वायर टैप की चौड़ाई कितनी होती है? आपने देखा होगा जो नेट होता है उसके ऊपर एक सफ़ेद पट्टी लगी रहती है, नीचे भी लगी रहती है, तो उसका जो है चौड़ाई कितनी होती है वो 75 mm, 75 mm। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष महिला के लिए एकल युगल में एक गेम में कितने अंक होते हैं? मैंने आपको बताया 21। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सर्विस करते समय खिलाड़ी के पैर ठीक अर्ध क्षेत्र में ना हो तो क्या यह फाउल होगा? हाँ यस, यह फाउल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बैडमिंटन में किस प्रकार की गेम होती है? सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।